आप सबको नमस्कार, आप सबको राधे कृष्णा। जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक आप सबको। जन्माष्टमी का त्यौहार जो हर साल आता है, जिसकी बहुत लोगों को वेट रहती है, क्योंकि सबसे फेवरेट भगवान कई लोगों के मेरी तरह श्री कृष्ण भी होते हैं। श्री कृष्ण जिन्हें बहुत ही एक नॉटी अवतार के रूप में, एक नटखट बालक के रूप में हम सब ने सुना है कथा कहानियों में और ऐसी पौराणिक कथाओं में जो हमने अपनी दादी नानियों से सुनी है कि श्री कृष्णा इस तरह की नटखट हरकतें करते थे। श्री कृष्णा को माखन मिश्री बहुत पसंद थी। श्री कृष्णा का जो फेवरेट यंत्र था, जो वो बजाना पसंद करते थे, वो बांसुरी थी। क्यों कृष्णा को बांसुरी इतनी पसंद थी, इतनी ज़्यादा मनमोहक थी बांसुरी की, वो हमेशा उसे अपने साथ रखते थे। तो वैसे तो श्री कृष्णा को बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रिय थी, जैसे माखन मिश्री, गाय, मोरपंख और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें, लेकिन बांसुरी उनकी फेवरेट थी। बांसुरी को वो जब भी बजाते थे तो जितने भी ग्वाले होते थे, जितने भी जानवर होते थे, जितने पशु, जितने पौधे होते थे और जितनी भी प्रकृति की सारी चीज़ें, जितनी गोपियाँ और जितने भी गोकुलवासी या फिर जितने भी उनके आसपास के लोग होते थे, वो सब झूमने लगते थे। और गोपियों को ख़ास तौर पर बहुत ईर्ष्या होती थी, बहुत जेलसी होती थी कि क्यों श्री कृष्णा इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड इस बांसुरी के साथ करते हैं। श्री कृष्णा और बांसुरी के साथ की कहानियाँ अलग अलग जुड़ी हुई हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्णा ने बांसुरी को खुद से बजाना सीखा और खुद ही बनाया, लेकिन ब्रह्म संहिता के मुताबिक श्री कृष्णा को एज अ उपहार ये बांसुरी शिवजी भगवान ने दी थी। ऐसी ही एक कहानी के मुताबिक श्री कृष्णा ने जब द्वापर युग में जन्म लिया तो अलग अलग देवता उन्हें धरती पर आकर मिलने लगे। ऐसे में शिवजी भगवान को जब पता चला तो वो कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी भेष बदलकर श्री कृष्णा को मिलने पहुंचे। लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कि वो उपहार में यानी एज अ गिफ्ट श्री कृष्णा को क्या देंगे, तो ऐसे में उन्होंने श्री कृष्णा को बंसी देने के बारे में सोचा। बंसी, जिसे मुरली भी कहा जाता है, जिसे बांसुरी भी कहा जाता है, उन्हें वो देने के बारे में सोचा। तभी शिवजी को याद आया कि वो इस बंसी का निर्माण कैसे करेंगे। तो उन्हें याद आया कि उनके पास महर्षि दधीचि की बहुत ही शक्तिशाली हड्डियां रखी हैं। ऋषि दधीचि वो ऋषि थे जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया था, और उनके शक्तिशाली शरीर और हड्डियों का बलिदान देकर उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शरीर दे दिया था। कहा जाता है कि शिवजी ने उसी हड्डी को घिसकर एक बहुत ही सुंदर बांसुरी का निर्माण किया। और जब भगवान शिव श्री कृष्णा को मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने उसे भेंट स्वरूप श्री कृष्णा को दे दिया। और कहा जाता है तभी से श्री कृष्णा को बांसुरी सबसे प्रिय हो गई। एक और पौराणिक कथा के मुताबिक श्री कृष्णा एक दिन पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और उस पेड़ को श्री कृष्णा से बेहद प्यार था। अब अचानक श्री कृष्णा उठे और पेड़ को कहने लगे कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो पेड़ ने कहा कि प्रभु, आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे फल लेंगे या मेरी लकड़ी ही लेंगे। तो श्री कृष्णा ने कहा कि मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। अब उस पेड़ ने कहा कि प्रभु, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, मुझे आपसे कोई सवाल नहीं पूछना, आप जो करेंगे मेरे साथ वो सबसे बेहतर होगा, वो आप मेरे भले के लिए ही करेंगे। तो ऐसे में पेड़ ने ज्यादा सवाल ना पूछते हुए अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को श्री कृष्णा के अर्पण कर दिया। और ऐसे में श्री कृष्णा ने उस पेड़ की टहनियों को काटकर उसे बांसुरी का निर्माण करना शुरू किया। श्री कृष्णा ने उसे काफी ज्यादा ड्रिल किया, उसकी काफी ज्यादा खान उतारी और काफी ज्यादा उसमें छेद किए। अब पेड़ को दर्द तो हो रहा था, लेकिन उसने सारी पीड़ा को साइड में रखते हुए सिर्फ ये सोचा कि मैं प्रभु के काम आ रहा हूँ। तो जब श्री कृष्णा ने इस बांसुरी का निर्माण कर लिया तो इस बांसुरी में अब कुछ भी नहीं था, यानी कि वो पूरी तरह से खोखली थी, सिर्फ उसमें छेद थे। और ऐसे में कहा जाता है कि बांसुरी ने अपने आप को श्री कृष्णा पे पूरा भरोसा करके अपने आप को समर्पित किया, तो इसीलिए श्री कृष्णा की वो सबसे प्रिय चीज बन गई। कहा जाता है कि एक बार बांसुरी से ईर्ष्या करती हुई गोपियों ने बांसुरी से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया है, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि तुम्हें श्री कृष्णा इतना प्यार करते हैं, हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, हमेशा अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम, ज्यादा से ज्यादा समय तुम्हारे साथ बिताना पसंद करते हैं। बांसुरी ने कहा कि मैंने अपना पूर्ण रूप से अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, मैं अंदर से खोखली हूँ, यानी मेरे अंदर किसी भी तरह की कोई भावना नहीं है, ना किसी भी तरह का कोई भय
या विचार है। कहा जाता है कि बांसुरी में तीन गुण होते हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं होती, जो संकेत देता है कि अपने अंदर किसी तरह की कोई गांठ नहीं रखो, किसी तरह की कोई द्वेष नहीं रखो, किसी तरह की कोई ईर्ष्या मत रखो। दूसरा, ये बजाए बिना बजती नहीं, यानी जब तक कहा ना जाए तब तक ज्यादा बात नहीं करती, और जिसका मतलब है कि ज्यादा बोलो मत। तीसरा, जब भी ये बजती है मधुर ही बजती है, यानी जितना भी ये बोलती है मीठा ही बोलती है, जो सबको संकेत देता है कि जितना भी बोलिए मीठा ही बोलिए। और कहा जाता है कि ऐसे गुण जब भगवान किसी में देखते हैं तो वो सबसे प्रिय होता है भगवान को। तो उम्मीद है बांसुरी की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। बांसुरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और शायद जो गुण बांसुरी में है अगर हम अपने में लाए तो शायद हम भी भगवान के उतने ही नजदीक हो जाएं, या भगवान हमें भी उतना ही प्यार करने लगे जैसे बांसुरी को करते हैं। तो आपको जन्माष्टमी के अवसर पर ये कहानी कैसी लगी, ये छोटे से विचार कैसे लगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबको जन्माष्टमी के त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की हमेशा कृपा बनी रहे। नमस्कार।